तेजस्वी यादव जी, माना कि बिहार के युवाओं ने आपको विगत चुनाव में हराकर बेरोजगार कर दिया है, इसका यह मतलब नहीं कि आप सेना के द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना से पाने वाले रोजगार से युवाओं को महरूम कर दें। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजभवन मार्च निकाल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सुबह से ही एक एक करके सामने आ रही है। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो अब बीजेपी की तरफ से तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला गया और ये कहा है कि आप बेरोजगार बैठे हुए हैं और यही वजह है कि इस तरह के काम आपकी तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है बीजेपी के प्रवक्ता रामसागर सिंह का और किस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव पर सुबह सुबह ये बड़ा हमला बोला। तेजस्वी यादव जी, माना कि बिहार के युवाओं ने आपको विगत चुनाव में हरा कर बेरोजगार कर दिया है, इसका यह मतलब नहीं कि आप सेना के द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना से पाने वाले रोजगार से युवाओं को महरूम कर दें। आपके इस कुचक्र को बिहार के युवा भली भांति समझते हैं, इसीलिए कल आप लोगों के द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया था उसको बिहार के युवाओं ने असफल कर दिया। बिहार के युवा सेना के निर्णय के साथ खड़ी है और भर्ती में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी और भारत माता की सेवा करेंगे। आप भी सेना के निर्णय के साथ खड़े हो जाइए, न कि सेना के निर्णय के विरोध में खड़े होकर सेना को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो बता दें आपको कि केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई योजना अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हंगामा देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। बात अगर हम बिहार की करें तो बिहार के जितने भी छात्र हैं वे सड़कों पे उतर आए हैं, रेलवे ट्रैक जाम किए जा रहे हैं, ट्रेनों को आग के हवाले किए जा रहे हैं, जिसके बाद RJD ने अपना समर्थन दिया छात्रों को और ये कहा कि हम हर कदम पे छात्रों के साथ हैं और केंद्र सरकार को अपनी इस योजना को वापस लेना ही होगा। और यही वजह है कि आज राजभवन मार्च निकालने का जो फैसला है वो तेजस्वी यादव की तरफ से लिया गया, जहां पे महागठबंधन के तमाम विधायकों को इस मार्च में शामिल होने की जो अपील है वो तेजस्वी यादव की तरफ से की गई। और यही वजह है कि आज सुबह से ही विधानसभा का जो माहौल है वो जो है टाइट दिख रहा है। तमाम विधायक विपक्ष के वहां पर पहुंच चुके हैं और तेजस्वी यादव के समर्थन में और केंद्र सरकार के खिलाफ में उतर चुके हैं। और यही वजह कि इस बीच अब बीजेपी की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है, जिसमें कहा गया है कि तेजस्वी यादव को कोई काम नहीं है, वो बेरोजगार बैठे हुए हैं और यही वजह है कि छात्रों को भड़काने का, उन्हें उकसाने का काम तेजस्वी यादव की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में आज राजभवन मार्च को लेकर दिन भर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी, ये तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।